हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उनसे बहुत ही प्यारे से पोम-पोम बनाने बता रही हूँ। और जिस भी कपड़े में आप इन पोम-पोम को यूज़ कर लेंगे उस कपड़े का लुक ही बदल जाएगा। स्पेशली अगर आप इसको लटकन में यूज करते हैं तो ये बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। और इसके अलावा आप इसको साड़ी के पल्लू पर, दुपट्टे पर, अपने नेक पर, अपने दामन पर, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और बच्चों के कपड़े पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये मैंने बारीक बारीक से दो गत्तों की कटिंग करके रखी हुई है। तो ज़रूरी नहीं आपके पास कोई बारीक गत्ता नहीं है तो आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे आप, जैसे पेपर है, पेपर को कई बार फोल्ड करके आप उसे भी यूज कर सकते हैं। कागज़ का यूज़ भी आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े बड़े ये पोम पोम बनाने हैं तो चौड़ाई में थोड़ा बड़ा आप एक गत्ते की या कागज़ की कटिंग कर लें, और अगर छोटे बनाने हैं तो छोटा। ये जो मैंने बड़े वाला ये गत्ता रखा हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 1.25 इंच है और इसकी 1.25 इंच है। और लंबाई आप इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो आप पहले इस तरह से कोई भी कागज़ से या गत्ते से इस तरह से टुकड़े तैयार कर लें। देखिए, मैं इसमें मल्टी कलर की ऊन यूज कर रही हूँ। आप कोई भी ऊन इसमें यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप की, यानी बारीक या मोटी या रोई वाली या बिना रोई वाली, वो आपकी अपनी चॉइस है। और मैं थोड़े बड़े लटकन बना रही हूँ इसलिए मैंने चौड़े वाला ये गत्ता रखा हुआ है। और जितना आपको हैवी इसको बनाना है उतनी बार आपको इसके ऊपर फोल्ड करना है। तो आपको काफ़ी बार इसको ऐसे इसके ऊपर लपेटते जाना है। खुला हिस्सा मैंने नीचे की तरफ यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, मैंने इसको 100 टाइम फोल्ड किया है, यानी 100 बार मैंने इसको इस तरह से इस पर राउंड लिया है। और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है तो आप इसमें कम बारिश में ऊन को फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम ऊन को डबल करके इस तरह से थोड़ी सी ऊन की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हम यहाँ से इसके नीचे से ऊन को निकालते हैं जो हमने डबल करके ऊन की कटिंग की हुई है। और ऊपर से हम दोनों हिस्सों को इस तरह से बराबर कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से बीच में लाने के बाद हम इसमें इस तरह से टाइट करके 2-3 नोट लगा देंगे। बिल्कुल टाइट हमें कर लेना है। इसके बाद हम अपने इस गत्ते को इस तरह से फोल्ड करके इसको बाहर निकाल लेंगे। और हमारी ये जो ऊन है, इन्हीं सिरों को हम इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर भी बीच में हम 2-3 नोट लगा देंगे टाइट करके। देखिए, फिर वापस से मैं इनको दूसरी साइड ले आई हूँ धागे को, ताकि ये थोड़ा और मजबूत हो जाए। और इसमें भी हम 1-2 नोट लगा देंगे। देखिए, हमारा कुछ इस तरह से दिखता है दोनों साइड से। जो हमारी ये एक्स्ट्रा ऊन है, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, बीच में से हम इस तरह से कैंची डालते हुए चारों तरफ से अपनी ऊन की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हमारा ये पोम पोम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद हम इसको देखिए इस तरह से कर लेंगे चारों तरफ से। कहीं से बीच में से हमारी 1-2 उनकी कटिंग रह जाती है तो उनकी हम कटिंग कर लेंगे। जैसे इसमें 1-2 जगह ये दिखाई दे रही है, और अब हम देखिए इस तरह से कटिंग करके सारे जो हमारे ऊन के ये धागे, इनको हम बराबर कर लेंगे।
ये देखिए कितना प्यारा हमारा पोम-पोम तैयार हुआ है। और अगर आप इसको लटकन में यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें डोरी आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें अपने घर पर बनाई डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कपड़े की और मार्केट की भी। तो इस तरह से कहीं भी बीच में आप इसे लगाएं, ये चारों तरफ से एक जैसा होता है। और सुई में डबल धागा लें, धागा ऊन के कलर का होना चाहिए। पहले हम अपनी डोरी में लिए धागा निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से कहीं पर भी बीच में रखेंगे। और अपने पोम पोम के साथ हम इसको अच्छे से सील देंगे। कई बार डोरी सिलने के बाद हम नोट लगा के अपने धागे की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा लटकन तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने काफ़ी सारे पोम पोम बनाए हुए हैं, ये बड़े साइज़ के हैं और ये छोटे साइज़ के हैं। और इनमें अलग अलग टाइप की ऊन का यूज़ मैंने किया है। आप एक कलर से भी बना सकते हैं, आप दो कलर की ऊन एक साथ लपेट कर भी बना सकते हैं, मल्टी कलर की ऊन से भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे पोम पोम लग रहे हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।